ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल मिर्जापुर में फतहा स्थित बिजली विभाग के कार्यालय में पहुंचे, जहां उन्होंने टूटे फर्श और चारों तरफ फैली गंदगी देख कड़ी नाराजगी जताई। साथ ही उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। यहाँ पे बिजली विभाग में छापा मारे हैं, क्या मिला आपको? यहाँ गंदगी का अंबार और जो ऑफिस मेंटेन होना चाहिए, इस सरकार की मंशा है कि हमारे ऑफिस अच्छी होनी चाहिए, तो ऑफिसों में गंदगी, टूटी फूटी फर्शें, टूटा फूटा दीवारें और एकदम बैठने की कोई सही संसाधन, कुर्सियाँ टूटी। हमने पूरी रिकॉर्ड बनारस सिविल से मंगाया है, उसके बाद इनके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी इस रिपोर्ट को एक कॉपी भेज करके और सारे अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने इसमें गलती किया होगा, सफाई नहीं किया होगा, जिन्होंने सरकार के मंशा के खिलाफ काम किए होंगे, उनके सब के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। और कर्मचारी लोग समय पे आए हैं? वो नहीं, उपस्थिति वाले में हम आए तो लगभग उपस्थिति मिली है, दो लोग छुट्टी पर हैं, उनका एप्लीकेशन लगा है, उपस्थिति लगभग ठीक ठाक रही है। ऊर्जा राज्य मंत्री को जानकारी दी गई कि यहाँ टूटी कुर्सियाँ, टूटे फर्श, जर्जर दीवारें और रखरखाव को लेकर पिछले दो वर्षों से कोई काम नहीं कराया गया। इस पर ऊर्जा राज्य मंत्री ने कार्यों का लेखा जोखा मांगा और गंदगी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मिर्जापुर से ब्रिजलाल मौर्य की रिपोर्ट।